वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरा फर्स्ट सेशन जो होगा वो जूम के ऊपर होगा, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको जूम अपने पास डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, रिसेंटली मैं गूगल यूज़ कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर जूम टाइप करें। जो सेकेंड ऑप्शन आपको डाउनलोड का दे रहा है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं आप मज़ीद अगेन इसको डाउनलोड नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊँगी यहाँ से। तो मैं जूम को अपने पास ओपन करती हूँ। ये जूम की होम स्क्रीन होती है, जिसमें आपको चार ये आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और स्क्रीन शेयर स्क्रीन का। न्यू मीटिंग, अगर कोई आप न्यू मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और अपना टॉपिक, अपना होस्ट नेम और आपका पासवर्ड जो होगा वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। ज्वाइन, अगर ऑलरेडी आपके हो अपने टीचर्स की तरफ से या अपने जो ऑफिस के लोग जो मीटिंग करते हैं उनकी तरफ से अगर आपको कोई आईडी पासवर्ड गिवन है, तो आप सिंपली वो ऐड करके ज्वाइन पे आप वो यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो है वो कर सकती हैं, और आप वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिख कर आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। और आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप डू नॉट कनेक्ट टू ऑडियो, आप ऑडियो कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं या वीडियो कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप वो उसको ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग आप वो मीटिंग जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास शेड्यूल। अगर कोई मीटिंग को आप शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक दे दीजिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल जूम, तो ये मेरा टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगी। स्टार्ट कौन सी डेट होगी, क्या टाइम होगा, वो सब इसमें होगा, क्या ड्यूरेशन मुझे इसके अंदर रखना है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो होगा आपको ये आईडी और ये पासवर्ड जो होगा, ये पासवर्ड और ये आईडी आपको ऑटो जनरेट करके दे देगा, जो कि आप अपने कलीग के साथ, जो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, होस्ट मतलब के जो मीटिंग को होस्ट कर रहा है, तो राइट नाउ मैं होस्ट हूँ, तो मैंने अपना वीडियो जो है वो ऑफ रखा हुआ है, तो इसलिए ऑफ पे है, आप इसको ऑन भी कर सकते हो। पार्टिसिपेंट, जो स्टूडेंट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हो, आप उनकी वीडियो ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ से आप शेड्यूल करके वो मीटिंग कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन में आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैं न्यू मीटिंग में गई, कनेक्टिंग पे हूँ अभी मैं, जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, जैसे कि ये स्क्रीन आई है। मीटिंग का टॉपिक मेरे पास मेरे नाम से आया है, अंबर खान जूम मीटिंग, और होस्ट मैं खुद हूँ, ये पासवर्ड है और ये न्यूमरिक है। अच्छा, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, या माइक्रोफोन या कंप्यूटर ऑडियो में कौन सा यूज़ करना चाहूँगी, तो मैं फिलहाल कंप्यूटर ऑडियो पे ही क्लिक करूँगी, ठीक है। ये मेरे पास न्यूमरिक पासवर्ड है। जो भी आपके पार्टिसिपेंट होंगे आप उनके साथ यहाँ पे ये आईडी पासवर्ड आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, या आप सिंपली इस ये कॉपी लिंक पे भी करके, जैसे कि इनवाइट लिंक हैज़ बीन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आप इसको भी कर सकते हो और आप ये भी शेयर कर सकते हो। ये हमारी आईडी है। ज्वाइन ऑडियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जो हो अपना कंप्यूटर ऑडियो यूज़ करना चाहते हो या माइक्रोफोन ऑडियो यूज़ करना चाहते हो, आप इन बिटवीन भी स्विच कर सकते हो। अगर आप रिसेंटली, जैसे मैं कंप्यूटर ऑडियो पे हूँ, तो मैं इसको लीव करके माइक्रोफोन पे भी आ सकती हूँ। ये हमारे ऑप्शन होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है शेयर स्क्रीन का। शेयर स्क्रीन में हमारे पास तीन चीज़ें, बेसिक में होता है, एडवांस होता है और फाइल्स आती हैं। बेसिक में मेरे पास तीन चीज़ें, स्क्रीन है, ये स्क्रीन का ऑप्शन जो होता है, इट मीन्स कि फुल स्क्रीन आपकी जो होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैं फुल स्क्रीन पे हूँ, तो कंप्लीट स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये शेयर हो रही है। सेकंड पे आप देख सकते हैं इसके बराबर में वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड की ये तमाम फीचर्स हैं, सेलेक्ट है, टेक्स्ट है, ड्रॉ है, स्टैम्प है। वन बाय वन आप ईच ऑप्शन पर अपना कर्सर लेकर जाओगे तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये सेलेक्ट बॉक्स है, ये सेलेक्ट टूल है, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये ड्रॉ है, ये लाइन है, ये ब्रश लाइंस हैं, तो आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देख सकते हो, जैसे कि ये लाइन है, ये रफ लाइन है, ये मेरे पास थिक लाइन ब्रश लाइन की तरह आती है, ये मेरे पास शेप है एक तरीके का, ठीक है, और ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आती है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये सिंगल हेड है, डबल हेड है, ये एम्प्टी बॉक्स होते हैं, एम्प्टी शेप्स हैं ये वाले, जैसे कि मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देती हूँ, और ये मेरे पास ग्रिड में आता है, और ये मेरे पास फील्ड आता है, कंप्लीट फील्ड बॉक्स जो होता है हमारे पास, ठीक है। ये आप अपनी टीचिंग रिलेटेड, टीचिंग सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन इसका स्पॉटलाइट का, ये हाईलाइट करता है कि जो आपके कर्सर माउस के साथ जो होता है वो
ताकि वो हाईलाइट करे कि आपके कर्सर की जो मूवमेंट होती है, और सेकेंडली आपको डायरेक्ट भी करता है कि जैसे ये एरो डायरेक्ट कर रहा है कि कहाँ आपको किस तरीके से जाना है। इरेजर का यूज़ सबको पता है कि इरेजर का काम क्या है, तो आप वन बाय वन उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वो चीज़ आपकी इरेज होती चली जाएगी, जो भी अननेसेसरी चीज़ें आपको लगता है कि आपने किया है, ठीक है। और फॉर्मेट पे तमाम फॉर्मेट है, ये कलर थीम है हमारे पास, लाइन विड्थ हैं चार तरह के हमें दी गई हैं, ये फॉन्ट है हमें हमारे पास, ये मैं कोई भी साइज़ इसमें जो हूँ अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट साइज़ जो है वो मैं रख सकती हूँ, अंडू कर सकती हूँ अपने ऑप्शंस को जो भी मैंने डिलीट किए थे इरेजर से, ये रीडू भी कर सकती हूँ, ठीक है। क्लियर में मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग, तमाम ड्राइंग जो बोर्ड की है वो मैं ड्राइंग जो है वो मैं कर दूँ, या मैं माई ड्राइंग, क्योंकि ऑलरेडी अभी सिर्फ मैंने ही ड्राइंग की है तो माई ड्राइंग पे मैं करूँगी तो सारी मेरी ड्राइंग हट जाएंगी। इन दोनों ऑप्शन में ये फ़र्क है कि माई ड्राइंग और व्यूअर ड्राइंग, अगर कि मैंने अपनी स्क्रीन जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की होगी तो वो भी इस पर कुछ परमिट होगा होंगे अगर वो, तो वो भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे, तो मैं अगर उनका मुझे लगेगा अननेसेसरी कुछ चीज़ें हैं तो मैं उनको भी ड्रॉ डिलीट कर सकती हूँ यहाँ से। ये क्लियर तो तमाम स्क्रीन जो होगी वो मेरे पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसको अंडू करके ये सेव का ऑप्शन दिखाना चाहूँ तो सेव पे अगर आप जाएंगे तो ये वाइट बोर्ड सेव का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो रेडी हो चुकी है, तो आप यहाँ पे जाके शो इन फोल्डर पे देखिएगा तो ये इमेज बन चुकी है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने व्हाइट बोर्ड पे काम किया था हमारे पास अभी वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज करूँगी, सेकंड में आपको शेयर न्यू शेयर में दिखाऊंगी ये आईफोन आईपैड के लिए, क्योंकि मेरे पास इसके प्लगइन्स नहीं है तो ये अभी मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। एडवांस में जाऊंगी तो पोर्शन ऑफ स्क्रीन दैट मीन्स सम एरिया दैट यू वांट टू कैप्चर, अब जैसे कि ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये आप रोटेट कर सकते हो, इसको होवर कर सकते हो अपने माउस के थ्रू, ठीक है। अगर हाँ मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया अपनी स्क्रीन का सिर्फ शेयर करना है तो इसके थ्रू मैं वो भी कर सकती हूँ, और ये भी लाइक के एनलार्ज हो सकता है, मैं लेफ्ट टू राइट या टॉप बॉटम इसको जो है वो मैं इसका साइज़ जो एक्सटेंड या श्रिंक कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते म्यूज़िक और कंप्यूटर साउंड, लाइक एक म्यूज़िक या कंप्यूटर साउंड मैं कौन सा यूज़ करना चाहती हूँ, या अदर देन मैं माइक का सेटअप को यूज़ करना चाहती हूँ जो मैंने बिगनिंग में आपको बताई थी चीज़। और ये थर्ड है हमारे पास कैमरा, कैमरा वेबकैम जो कि रिसेंटली मेरा ऑफ है, आप इस पे जाके अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो, वीडियो कॉल पे भी जाना चाहते हो या वीडियो मीटिंग करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, या आपको एक्सटर्नल या डिवाइस अटैच करना चाहते हो, एक्सटर्नल वेबकैम कोई आपके पास है वो आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू करना चाहते हो तो दैट्स फाइन, वो आप इसके थ्रू देख सकते हो। ये फाइल्स हैं कि आप अपनी फाइल्स कहाँ से पिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, कोई भी उस पर क्लिक करके ऑप्शन पे आप जो हैं वो यहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी आपकी वीडियो जो है जब आपने शेयर किया है तो आप उसको स्टॉप शेयर पे भी कर सकते हो, ये पॉज भी कर सकते हो, अब एनोटेट भी हो सकता है, एनोटेट में आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो भी हैं जो हमने व्हाइट बोर्ड में देखे थे वो यहाँ पे भी हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा मोर में मेरे पास, क्योंकि अभी मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग है, अदरवाइज आप जो है अपने सिस्टम की भी रिकॉर्डिंग ले सकते हो, जो जूम की भी रिकॉर्डिंग ले सकते हो, मीटिंग इन्फो, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करती हूँ तो मैं वापसी होम स्क्रीन पे आ जाऊँगी, आपको अपना कोई लेक्चर शेयर कर रिकॉर्ड करवाना है तो सिंपली आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप देखें कि आपकी तमाम मीटिंग एंड हो चुकी है तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आप राइट कॉर्नर पे ये देखिए कि एंड का बटन है, आप लीव मीटिंग, अगर सिर्फ आप लीव करना चाहते हो और आप चाहते हो बाकी पार्टिसिपेंट मीटिंग में अभी रहें तो आप लीव मीटिंग करें सिंपली, लेकिन इफ़ यू वांट के सबके लिए मीटिंग एंड हो चुकी है तो आप मीटिंग एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक कीजिए तो ये मीटिंग जो कि वो एंड हो जाएगी और सिंपली आप देखेंगे नो अपकमिंग मीटिंग्स टुडे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी आपके लिए वो भी बहुत अच्छी रहेगी, वो होगी गूगल क्लासरूम के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और जो भी कमेंट सेक्शन में आपको लगता है, जो भी क्यूरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।